हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का केवी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और हाँ, सबसे पहले आप लोगों को सभी को धन्यवाद कि आपने पिछले सेशन का बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। और ऐसे ही आप लोग लगे रहिए तो उम्मीद है कि हम लोग भी अच्छा करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को व्यू देख करके हम लोग का उत्साह बढ़ता है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन हम लोग रखे हैं परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट को दो भागों में बांटते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब कैसे कहिएगा स्क्वायर और नॉन स्क्वायर कैसे होगा, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा। जैसे 1444 ले लेते हैं और 1450 ले लेते हैं, 1764 ले लेते हैं और 1700 ले लेते हैं, तो आपको भी अब देख करके लग ही गया होगा 3364 ले लेते हैं, सबको रूट में डाल देते हैं। यानी यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब कि ये रूट में होता है। अब देखिए, इसमें आपको पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत कैसे होगा कि अगर याद है तो इजी में कह दिया कि ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये क्या है नॉन परफेक्ट है, ये क्या है नॉन परफेक्ट है। यानी हमारा ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट, ये नॉन परफेक्ट, ये परफेक्ट और ये नॉन परफेक्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो देख करके लिख दिया, बट ये हम पहचानेंगे कैसे कि परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है। देखिए, आपको मैंने पहले क्लास में बताया था कि एक के स्क्वायर से लेके मिनिमम 30 तक का स्क्वायर आप याद रखिए, बट यहां आपको 25 तक के स्क्वायर का आपको याद रखना जरूरी पड़ेगा। कैसे जरूरी पड़ेगा, गौर से देखिएगा। यहां पर एक का स्क्वायर एक लिए हैं, दो का चार, तीन का नौ, चार का 64, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, दस का 100। यानी एक चार नौ छ पांच छ नौ एक। सेम यहां 11-12 में देखिएगा तो चीजें रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहां पे अगर हमने 1444 लिया है तो याद देखिए यहां पे 44 यहां से रिपीट हुआ है, 64 लिया है, 64 देखिए कहीं ना कहीं से रिपीट जरूर होगा, यहां से 64 आपका, यहां से आपका 64 रिपीट है, 32-64 लेंगे तो फिर 64 का है वहां से रिपीट है। यानी परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा एक से लेके 24 तक का स्क्वायर का यूनिट डिजिट रिपीट होगा, और जो रिपीट नहीं होगा उसे आप समझेंगे कि वो नॉन परफेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग दोनों को निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर को निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद फिर नॉन परफेक्ट पे आएंगे। अब देखिए, इसको देख के तो इतना पता चल गया होगा आपको कि अगर डॉट डॉट एक रहे तो इसका स्क्वायर निकलेगा, यानी स्क्वायर क्या निकलेगा परफेक्ट निकलेगा। अगर यहां दो रहे तो क्या निकलेगा नॉन परफेक्ट निकलेगा। अगर तीन रहे तो क्या होगा नॉन परफेक्ट निकलेगा। चार रहे तो क्या निकलेगा परफेक्ट। पांच रहे तो क्या निकलेगा परफेक्ट। छह रहे तो क्या निकलेगा परफेक्ट। सात रहे तो नॉन परफेक्ट। अगर आठ रहे तो देखिए आठ कहीं दिख रहा है, यानी नॉन परफेक्ट निकलेगा। बट नौ का जैसे ही आएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, और जीरो जीरो तो आपको पता है ही कि परफेक्ट निकलेगा। यानी अगर देखिएगा तो नॉन परफेक्ट एक से लेकर दस तक के बीच में छह परफेक्ट होगा और चार नॉन परफेक्ट होगा। अब छह जो नॉन परफेक्ट है उसमें भी देखिएगा एक, यानी आप यहां पे एक और नौ, यानी यूनिट प्लेस पे अगर हमारा एक दिया है तो क्या क्या हो सकता है, एक और नौ हो सकता है। अगर हमारा यूनिट प्लेस पे क्या है चार है तो क्या हो सकता है दो और आठ हो सकता है। अगर हमारा यूनिट प्लेस पे एक हो गए चार हो गए छः है तो क्या हो सकता है छः का एक सिंगल छः ही होगा, और पांच का सॉरी पांच का भी पांच ही होगा। छः का
सेम छ आया है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, देखिए। और पांच का क्या आया है, पांच यानी पांच का स्क्वायर 25 यानी न्यूटन पर क्या आया है, पांच और छ का छ आया है। लेकिन जैसे ही नौ की बारी आएगी तो क्या आएगा, तीन और सात, यानी यूनिट प्लेस पे अगर नौ है तो क्या होगा, तीन भी हो सकता है सात भी हो सकता है। वैसे ही एक बार आपको मिला देते हैं, ये मिला दिया हम लोगों ने नौ और नौ, सात का मिला दिया हम लोगों ने, अब बचा क्या चार का भी और छ का भी, सॉरी छ वाले में हम गलती लिख दिए थे, फिर से करते हैं, यानी छ रहेगा तो क्या आएगा चार और छ रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सॉरी उसके लिए, चार और छ आएगा, यानी हमें एक दो तीन और चार, इस चारों में क्या करना है, देखना है कि एक का दो निकलेगा बट पांच का पांच और जीरो का जीरो, यानी छह परफेक्ट में से दो का सेम पांच का पांच जीरो का जीरो और छ वाले में चार चार, एक वाले में एक नौ और चार वाले में दो आठ और पांच वाले में पांच पांच। चलिए तो अब इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने डिजिट क्या क्या लिया था, डिजिट हमने लिया था 14, 44 का रूट निकालना है, फिर लिया था 17, 64 और फिर लिया था हमने ये 35, 64 और एक और ले लेते हैं 31, 36 का, सीखते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यूनिट में चार डिजिट हो सकता है, पांच हो सकता है, तीन हो सकता है, छह हो सकता है, आठ होता है, यानी दो को पहले अलग कर लेना है सबका, सबका दो अलग कर लेंगे, दो का पेयर बना देंगे और बाकी को अलग। अब देखना यह है कि यूनिट में चार है तो कौन कौन आ सकता है, तो यहां से देखिए चार है तो क्या आएगा छ आएगा और आपका क्या आएगा आठ आएगा, यानी चार चार छह से सॉरी दो आएगा और आठ आएगा, चार यहां रहा तो दो और आठ आएगा। अब ये देखना है कि ये 14 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो हमें दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 14 क्या है 9 और 16 के बीच में है, तो सबसे पहले छोटा वाला डिजिट को 3 ले लेंगे, 3 यहां लिख देंगे। अब यहां देखना है कि यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 2 आएगा कि 8 आएगा, इसकी पहचान कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल यहां पे यही खड़ा होता है कि यूनिट यानी इकाई के स्थान पे 2 आएगा कि 8 आएगा, तो देखना यह है कि ये 14 जो है 9 और 16 किसके नजदीक है, तो 9 से कितना कदम चलना पड़ रहा है 5 कदम और 16 से कितना कदम 2 कदम, यानी 16 के नजदीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पे बड़ा वाला, यानी बड़ा वाला का नजदीक है तो बड़ा वाला और छोटा वाला का नजदीक है तो छोटा वाला लिखेंगे, यानी हमारा क्या हो गया 38 इसका रूट निकल गया। वैसे ही 35 और 64 का लेते हैं तो ये क्या आएगा हमारा 2 आएगा नहीं तो 8 आएगा, 2 दूना 4 8 2 64 आएगा। अब ये 35 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है, तो सबसे पहले तो 5 लिख देंगे। अब यहां पे देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 35 किसके नजदीक है, दिखने में भी लग रहा है कि 36 के नजदीक है, यानी बड़ा वाला पार्ट 58 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे ये किसके नजदीक है 4 और 6, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 और 6 आएगा, बट ये किसके नजदीक है आपका 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो सबसे पहले तो 5 लिख देंगे दहाई वाले स्थान पे, 5 लिख देंगे और इकाई वाले स्थान पे क्या लिखना है वो देख लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, किसके नजदीक है ये तो 36 के नजदीक है, यानी 6 लास्ट वाला यानी 36 का आपका 6 आंसर आएगा। 64 लेते हैं ये क्या होगा 2 और 8 आ जाएगा आपका। अब देखिए 16 किसके नजदीक है 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, किसके नजदीक आपका दिख रहा है 4 तो 4 लिख देंगे, यानी 16 के नजदीक है, यानी 4 और 2 42 आपका आंसर हो जाएगा।
बस इसमें दो तीन चीजों को ध्यान रखना है। थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि दो जो निकल जाता है ना, ये दोनों कि किसके किसके नजदीक आ सकता है, तो उसको निकालना थोड़ा सा मतलब लगता है कि टफ है, लेकिन टफ है नहीं, बहुत ही इजी है। उसको देख करके इजी में एक बार सीख लेंगे तो निकाल सकते हैं। तो ऐसे कर लीजिए। अब चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए कुछ देते हैं होमवर्क में, आप लोग भी निकालिए। 1764 का स्क्वायर निकालिए, 7921 5476 6241, और एक और ले लेते हैं 6084। ठीक है, तो तीन और हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट देंगे, 17 इधर कर देंगे, 64 इधर कर देंगे। अब देखिए यहां पे 64 क्या हो सकता है, यूनिट प्लेस पे आपका आ सकता है, दो भी आ सकता है, आठ भी आता है, क्योंकि दो का स्क्वायर भी चार आएगा, आठ का स्क्वायर भी यूनिट प्लेस पे चार ही आएगा। तो चलिए अब ये 17 किसके किसके नजदीक है, तो हमें दिख रहा है 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच। 4 का स्क्वायर 16, यानी यहां पे पहले 4 ले लें। हमेशा याद रखना है कि इस दो पार्ट में, यानी जिसके जिसके बीच में 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो छोटा वाला पार्ट यहां लिख देते हैं। अब हमारा समस्या एक है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो करना क्या है कि ये 16 है और ये क्या है 25 है। अब ये किसके नजदीक है 17, तो 16 के नजदीक है। अब जिसके छोटा वाला के नजदीक होगा छोटा वाला पार्ट लिखेंगे, और बड़ा वाला के नजदीक होगा तो बड़ा वाला लिखेंगे, यानी क्या छोटा वाला नजदीक है तो 2 हो जाएगा। क्लियर। एक और इसको भी देख लेते हैं, 21 क्या हो सकता है, 1 और 9। अब 79 किसके किसके स्क्वायर के बीच में, 8 28 64 9 9 81, यानी 64 और 81 के बीच में। तो सबसे पहले तो 8 का स्क्वायर यानी 8 लिख देंगे। अब यहां देखना है कि 1 की 9 आएगा, तो देखिए किसके नजदीक है 79, 81 के नजदीक है, यानी बड़ा वाला का नजदीक है, तो क्या लेंगे बड़ा वाला पार्ट लेंगे, यानी 89 हो जाएगा। अब यहां देखिए, अब हमको पता है कि 25 है, तो ये तो 5 ही होगा हर हाल में, तो ये किसके नजदीक है, ये 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 8 और 5, तो 5 वाले में आसान आता है क्योंकि 1 है तो 1 लिख देंगे। चलिए 54 और 76, अब इसमें देखते हैं क्या हो सकता है, 4 और 6, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 और 6 आ सकता है। अब ये देखना है 54 किसके किसके बीच में है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 64 और 49 के बीच में। तो सबसे पहले तो जिसका छोटा वाला पार्ट 7 लिख देंगे। अब हमको डिसाइड करना है कि इस दोनों में से कौन आएगा, तो ये 54 किसके नजदीक है, 49 अपान 54 और 54 4, यानी 49 के नजदीक 54 है, तो क्या लिखेंगे 4, यानी 74 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही 62 और 41 क्या होगा, 1 और 9। अब देखिए 62 किसके किसके बीच में है, 8 का जैसे करेंगे तो क्या होगा 64, यानी 62 से अधिक हो जाएगा, यानी क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, यानी 49 और 64 के बीच में है, तो सबसे पहले तो 7 लिख देंगे। अब ये 62 किसके नजदीक है, तो दिख रहा है कि 64 के नजदीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 9, यानी 79 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 60 और 84 क्या होगा, 2 और 8, अब देखना 60 किसके किसके नजदीक है। अब 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 49 और 64 के बीच में, तो सबसे पहले तो छोटा वाला पार्ट लिख देंगे। अब यूनिट प्लेस में कौन सा देखना है, कौन सा है, तो 64 के नजदीक 60 नजदीक है, यानी 8 आपका, यानी 78 आंसर आ जजाएगा। अब चीज देखिए, हम लोगों ने 8-10 क्वेश्चन देखा, अब क्या कीजिएगा, इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कहाँ पे क्या दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर हमको कुछ जो प्रॉब्लम फंसेगा उसको आपके सामने सही कर देंगे। ठीक है,
तो अभी आप लोग का होमवर्क में यही रहेगा कि एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 स्क्वायर रूट, यानी आप मोबाइल से भी लिख करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि 1200 1296 ये एक्सेप्शनल है, यानी अपवाद, इसका कोई रूल नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। कई जगह पे होता है कि आपको फंसाने के लिए 1296 दे देगा, तो क्या आएगा, तो गलती से आप वहां पे निकालने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, गलत आपका आ जाएगा, आपको यहां पे 34 भी आ सकता है आंसर निकालने में। हमेशा याद रखें 1296 का 36 होगा, और इस चीज को 36 निकाल कर लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्क्वायर रहने देते हैं, अब अगला सॉरी स्क्वायर का अगला पार्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर एक बार देख लेते हैं। जैसे 225 का स्क्वायर, ये रूट दिया 225, क्या पता इसका क्या रूट होगा, 15, हमको इजीवे में पता है, बट आपको क्वेश्चन में दिया रहे 300 का रूट निकाले, तो कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि ये 300 किसके किसके नजदीक है, क्या देखेंगे 300 किसके किसके नजदीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा इसके नजदीक है, यानी अगर हम यहां पे देखें तो 225 यानी ये 315 का स्क्वायर यानी 225 और 16 का स्क्वायर 256 और 17 का 289, 17 का स्क्वायर और 18 के स्क्वायर के बीच में, हालांकि 15 का स्क्वायर भी लेंगे 16 का स्क्वायर लेंगे तब भी गलत नहीं होगा। तो चलिए अब 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289, तो हमें 289 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे 17 और प्लस, यानी 289 इसलिए लिखे हैं कि इससे ये कितना अधिक है, माइनस करके देख लेंगे, 300 माइनस 289 बट्टा 2 × 17 लिखेंगे, यानी यहां जो निकाले वो यहां से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 17 प्लस 11/34 यानी 17 प्लस 0.0, यहां जैसे दशमलव देते 0 आ जाएगा, 34 30 तिहाई 90 यानी 3.8 के आसपास हो जाएगा, यानी हमारा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, 17.38 परफेक्ट नॉन परफेक्ट वाले को इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। जैसे हमें 250 का स्क्वायर निकालना, तो हमें पता है कि ये 15 के स्क्वायर के नजदीक है, 15 का स्क्वायर प्लस यानी कितना अधिक है ये, तो 250 माइनस 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 बट्टा 2 × 15 यानी 15 सॉरी यहां रहने देंगे, इसको हटा देंगे, रूट निकाल रहे हैं, तो 15 प्लस 25 बट्टा 30, 3×8=24 यानी 15 प्लस 0.3×8=24 3×9 यानी 15.83 हमारा आंसर आ जाएगा। हम ले लेते हैं 440 का रूट निकालना, पता है 400 का रूट क्या होता है, 20 प्लस 40 एक्स्ट्रा है, यानी 440 माइनस 400 बट्टा 2 × 20 कर लिए, 20 प्लस 40/40 कट गया एक मर्तबे, लगभग 21 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा लेके देखते हैं, कभी कभी आपको 1200 का स्क्वायर पूछ देगा, ठीक है 1200 का स्क्वायर, तो अभी हम देखा 1296 किसका स्क्वायर था, 36 के आसपास का 1296, अब 36 का स्क्वायर था, यानी यहां पे माइनस करना होगा, माइनस 1200
96 माइनस 1200। अब देखिए यहां अधिक था तो प्लस किए, लेकिन जहां कम आ रहा है 1296 से, ये क्या है हमारा कम है ये, तो जैसे ही कम होगा क्या करेंगे माइनस करेंगे, बटा 2 × 36 कर देंगे, 36 माइनस 96 बटा 72 कर देंगे, आपका क्या जाएगा 36 माइनस 1.72 एकम 72 और 14, सॉरी 2 × 7 = 24, तो 72 × 7 = 7 लगभग लगभग 1.24 के आसपास आ जाएगा, यानी 36 में से 1.24 माइनस करेंगे तो 34.87 अप्रोक्स में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। एक दो और देख लेते हैं, जैसे 1500 का हमें रूट निकालना है, थोड़ा सा बड़ा वाला देख लेते हैं 1500 का, तो हमें पता है कि ये 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 1600 से कितना कम है ये 100 कम है, तो 40 से कम है 40 माइनस 1600 बटा 1500, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे 100 भागा 2 × 40 यानी 80 हो गया, 40 माइनस 100 बटा 80, 0 से 0 गया 8 × 8 2 × 5 यानी 38.75 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, और याद रहे ये आपको बहुत ही उपयोगी है आरआरबी क्लर्क को एग्जाम को लेकर के, आरआरबी में इस तरह का क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं। तो चलिए नॉन परफेक्ट आप कुछ और देख लेते हैं, जैसे नॉन परफेक्ट में आपसे पूछेगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में, तो आपको मैं दे रहा हूं कमेंट में लिखा है, रूट अंडर 440 प्लस रूट अंडर 360 माइनस रूट अंडर 225, अब कहेगा कि इसका आंसर बताइए। तो आप जब तक ये नॉन परफेक्ट निकालना नहीं जानेंगे आप नहीं निकाल सकते। अब यहां पे ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो ऑप्शन दो तरह से रहते हैं, एक तो बहुत नजदीक नजदीक रहेंगे और थोड़ा सा डिफरेंस पर, तो अगर डिफरेंस पर है तो इजी वे में आप सपोज करके निकाल लीजिएगा, लेकिन बट अगर नजदीक नजदीक हो तो आपको उसको करके निकालना होता है। तो चलिए आपका ये होमवर्क रहा, ये हमारा आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना आया। चलिए तो अगला हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमें 2800 का स्क्वायर निकालना है, 2800 का, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि हम 2800 के आसपास में कोई ऐसा स्क्वायर है कि नहीं, तो ज्यादा हमें अगर याद नहीं है तो इतना हमें पता है कि अगर 50 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है 2500, यानी 2500 से ये 300 अधिक है। अगर आपको 51 का 52 का 53 का 54 का 55 तक का भी याद है तो इजी वे में निकाल सकते हैं, जैसे 55 का स्क्वायर देखा जाए तो क्या होगा 25 और 30, 30 25 होता है 55 का, 6 × 5 = 30 25 होता है, तो ये भी आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। और अगर ये सॉरी 52 का स्क्वायर लेते हैं तो वैसे हम लोग क्लास में सीखा है 2 × 4 25 × 2 = 2704। अगर 53 का स्क्वायर लेते हैं तो 3 × 3 = 0 9 और 25 × 3 = 2808। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि इसके नजदीक क्या है, ये लगभग लगभग 53 में आप आंसर इसको मार सकते हैं। तो ये चीजें अगर याद है तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं परफेक्ट सॉरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को कि किसके नजदीक जा रहा है, तो आप आंसर को चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको निकालना ही है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 50 का स्क्वायर हमको पता है, 50 प्लस 300 एक्स्ट्रा दिख रहा है गुने 2 × 50 क्या हो जाएगा 100, 50 + 3 ऐसे भी अप्रोक्स में कितना आया 53 आया, ठीक है। तो आपको हर तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 2850 का रूट बताइए, पर ये आपका क्या आएगा, तो ऑब्वियसली आपको यहां क्या कीजिएगा, आपको ये पता है 53 का क्या होगा 2809 होता है, तो 53 प्लस अब 2809 है यानी क्या 41 एक्स्ट्रा दिख रहा है, 41 × 2 × 53 करेंगे यानी 53 प्लस 41 × 2 = 6 × 2 = 10 यानी 106। अब कैसे कटेगा तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो लगभग 0.4 मतलब कट रहा है, यानी 53.04 आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक बस। तो इस तरह से आप लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना सीख गए और निकाल सकते हैं, और
चलिए आप लोग एक बार क्या कीजिए, घर पे बनाने की कोशिश कीजिएगा, और कहीं भी कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पे हमें सुधार करना है। चलिए आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, जो सेशन लंबा हो जाएगा, और कल के सेशन में हम लोग लेकर के आएंगे, यानी अगला जब भी सेशन आएगा उसमें क्यूब रूट निकालना। तो क्यूब रूट में कोशिश करेंगे कि बस कम समय में ही कर ले, उसमें भी दो पार्ट होता है, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट, तो ज़्यादातर महत्वपूर्ण उसमें परफेक्ट ही होता है। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब आप लोग करते हैं तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम लोग और उत्साह के साथ वीडियो लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।